नमस्कार। नमस्कार। आज की कहानी महाभारत के द्रौपदी चीर हरण के प्रसंग से ली गई है। जिस समय कौरवों और पांडवों के बीच में चौसर का खेल चल रहा था और युधिष्ठिर एक एक करके सब कुछ हारते जा रहे थे, युधिष्ठिर ने अपना राज सिंहासन, अपना राजपाट, अपने भाइयों को भी खो दिया। आखिर में जब शकुनी ने आखिरी चाल चली तो युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गए। इस समय द्रौपदी अपने कक्ष में आराम कर रही थी और दुशासन उसके कक्ष में जाकर द्रौपदी को बालों से पकड़कर खींचता हुआ रंग महल में लेकर आया। उस समय वहां पर घर के सभी बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, सभी वहां पर मौजूद थे। दुशासन की मंशा थी कि वो द्रौपदी का चीर हरण कर सबके सामने उसको बेइज्जत करे, लेकिन किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि वो दुशासन और दुर्योधन को रोके कि वो ये निंदनीय कार्य ना करे। उस समय द्रौपदी की साड़ी का पल्लू वो दुशासन के हाथ में था और द्रौपदी अपने सब बड़े जो बुजुर्ग वहां बैठे हुए थे उनकी तरफ उस निगाह से देखा कि शायद वो इस कार्य को रोक सके, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। फिर उसने अपने पांचों पतियों की तरफ देखा कि हो सकता है कि पांचों में से कोई उसको बचा पाए, लेकिन पांचों तो उस द्यूत क्रीड़ा में वो गुलाम बन चुके थे दुर्योधन के, इसलिए वो भी आगे नहीं आए। अब द्रौपदी क्या करती, सब तरफ से जब वो हताश हो गई कि कोई उसको सहायता नहीं मिल रही, तब द्रौपदी ने अपना ताकत लगाकर साड़ी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन दुशासन के बाहुबल के सामने द्रौपदी कुछ भी रोक नहीं सकी। तो फिर द्रौपदी ने अपने भगवान कृष्णा को याद किया और उसने पुकारा, हे द्वारकाधीश, मेरी मदद करो। उसके बाद फिर दोबारा उसने प्रभु को याद करके कहा, हे नंद गोपाल कृष्णा, मेरी मदद करो। फिर तीसरी बार उसने पुकारा, हे आत्मा निवासी कृष्णा, मेरी मदद करो। जैसे ही द्रौपदी ने आत्मा निवासी कृष्णा को पुकारा तो एक चमत्कार हुआ और द्रौपदी की साड़ी दूसरी ओर से बढ़ती चली गई। जैसे जैसे दुशासन साड़ी के पल्लू को खींचता गया, वैसे वैसे द्रौपदी की साड़ी दूसरी ओर से बढ़ती चली गई। इतनी बढ़ती चली गई कि साड़ी के कपड़े का वहां पर ढेर लग गया। जितनी देर दुशासन साड़ी खींचता रहा उतनी देर द्रौपदी हाथ जोड़कर आंखें बंद करके अपने आत्मा निवासी कृष्ण का मनन करती रही। अगर हम इस सारी कहानी की तरफ ध्यान दें तो हम इस चीज को नोट करेंगे कि सबसे पहले द्रौपदी ने अपने बड़ों की तरफ प्रार्थना करी, कोई लेकिन बड़ा आगे बढ़कर उसकी मदद के लिए नहीं आया। फिर उसने अपने पांचों पतियों की तरफ उस निगाह से देखा कि कृपया मेरी मदद करो, लेकिन वो भी आगे नहीं बढ़ पाए। फिर उसने अपनी ताकत से साड़ी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो भी असफल रही। तब उसने भगवान को याद किया जब उसने द्वारकाधीश का नाम लिया, लेकिन तब भी भगवान वहां नहीं प्रकट हुए। फिर उसने नंद गोपाल को याद किया, तब भी भगवान वहां प्रकट नहीं हुए। जब उसने आत्मा निवासी के हे प्रभु जो मेरी आत्मा में निवास करते हैं उनको याद किया और साड़ी को छोड़ के आंखें बंद करके उसने कृष्णा कृष्णा पुकारा, तब भगवान ने उसकी मदद करी। अगर हम सब भी इस चीज पर विचार करें कि भगवान को पाने के लिए हमें पूरा सरेंडर करना पड़ता है भगवान के आगे, तो मुझे लगता है कि ये सबसे उचित कहानी,
सरेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखनी चाहिए। आज से कुछ ही दिनों बाद नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं। नवरात्रों के दिनों में हम देवी माँ की पूजा करते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि कई देवियाँ हमारे चारों तरफ कहीं माँ, बेटी, बहन, बीवी के रूप में विद्यमान हैं। क्या हम उनके सम्मान के लिए भी ध्यान देते हैं कि नहीं? सनराइज की टीम इस चीज के लिए आपकी आभारी होगी अगर आप अपने जीवन में सब देवियों को सम्मान दें, तो हमें खुशी होगी। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।